सोमवार को नया समाहरणालय में लोकपाल तमन्ना प्रवीण से भाकपा माले के नेता सोनू रवानी तथा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने मुलाकात की। मौके पर बताया गया कि श्रीरामपुर पंचायत में मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार पिछले 10 सालों से सरकारी कार्यों में अनियमितता बढ़ती जा रही है। मनरेगा कार्य मजदूरों की जगह जेसीबी से किया जा रहा है। नाली व गली में लूट जारी है। आवास योजना में चेहरा देखकर और ऊपरी पैसा लेकर आवास दिया जाता है। वहीं कहा गया कि उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि को कई बार आवेदन दिया गया है, परंतु कोई भी ठोस कार्रवाई या जांच नहीं हो पाई है, जिस वजह से प्रतिनिधि की मनमानी लगातार बढ़ रही है। भाकपा माले की टीम यदि रंगे हाथ जेसीबी को पकड़ती है तो उस पर मुकदमा का धमकी देते हैं। गिरिडीह में लगभग सभी प्रखंडों में या अलग अलग क्षेत्रों में आप देखते होंगे जो सरकारी कार्य हो रहा है, उस सरकारी कार्यों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कुछ जगहों पे अच्छा है, कुछ जगह बेहतर नहीं है। और जब आप उस पर बात करेंगे, जनता उस पर बात करेगी, तो जनता को ही फंसाने की बात करते हैं, क्योंकि लुटेरों जो होते हैं उनका एक गजब का नेटवर्क होता है। ऑफिस से लेकर हर एक जगह तक देखेंगे उनके लोग होते हैं। आप आवेदन दीजिए, उनका आवेदन वहीं दब गया। इसलिए भाकपा माले की टीम ने सबसे पहले भी स्टार्ट किया है कि गादी श्रीरामपुर के जरिए ऐसे हर एक प्रखंडों के लिए हम लोग अभी लोकपाल का नियुक्ति हुआ है। यहाँ पे मैडम से भी हम लोग बात किए हैं, मैडम से मिले हैं कि इस तरह का जहाँ पे भी लूट है उसका जांच करिए। आज लोकपाल मैडम के पास हम लोग आए थे। यहाँ पर हमारे पंचायत में जितना भी भ्रष्टाचार हुई है, और भ्रष्टाचार हमारे पंचायत ही नहीं, क्योंकि इधर पूर्णा नगर, टीकोडी और भी जसपुर पंचायत है, यहाँ पर तमाम तरह के उधर जितने भी पंचायत है, जितने भी भ्रष्टाचार हुई है। और आज हम लोग अपना गादी श्रीरामपुर पंचायत के लिए एक आवेदन दिए हैं लोकपाल मैम को, और मैम ने भी आश्वासन दिए हैं कि आपका पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार हुई है उस पर हम लोग अपने से जांच करेंगे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर लोकपाल तमन्ना प्रवीण ने कहा कि मेरे पास आवेदन आया है, जाँच के बाद कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में जांच होगी, जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नमस्ते, आज मेरे कार्यालय में गादी श्रीरामपुर से श्री सोनू रवानी जी एवं उनके साथ गिरिडीह विधानसभा प्रभारी श्री राजेश जी एवं अन्य साथी मेरे कार्यालय इस सोच से आए हैं एक आवेदन देने कि जो मनरेगा में चल रही मनमानी को रोका जा सके। जो योजना वहाँ धरातल पे आना चाहिए वो अभी तक आई नहीं है पूर्ण रूप से। इन लोगों को ये आशा है कि लोकपाल आ जाने से इनके अधूरे काम पूरे हो सकेंगे और सही तरीके से हो सकेंगे। जो वहाँ लोगों का शिकायत है उनको मेरी तरफ से दूर किया जा सकेगा, और मैं ये आश्वासन भी देती हूँ कि मेरे तरफ से जल्द कार्रवाई की जाएगी और वहाँ की जांच की जाएगी। इसी आशा के साथ और आश्वासन के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ और आप लोग के भी सहयोग चाहती हूँ। धन्यवाद।